तक फरिया खेड़ी बीबी राजिया मारी सा कमरी मम्मा तू कई लखिया भी जा तेरी ओ नीति बोले जे है जेकार तो किन प्रकार माजक थोड़े मात्र दरबार सजाए हुए और वक्त किन प्रकार महिमा लिखे की हेमा हर टेम मैं थारे द्वार पे आवा तो मां साखमरी ने अरदास करने लाग जाता भक्त किन प्रकार महिमा बखानदार क्यों ये अरे साखमरी रामल धीरे अरे माता जी रामल धीरे अरे टपरिया खेड़ी माई दे लागे बड़ो सुलदारी अरे कहा भी टपरिया खेड़ी माई सा कि मेरी साकमरी मात का दरबार सबसे सुपर और मैया झोलिया उनकी भरेगी जिनके दोनों हाथ होंगे ऊपर। अब किन किन को झोलिया भरनी है आज इस दरबार में? इधर से मेरे बड़े भाई लोग बिल्कुल अगर झोलिया भरनी तो एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। बल साकमरी मात की साकमरी बल अच्छा
दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है और जिसको जैसा मिल जाता है वो वैसी नियत रखता है। साकमरी मात ने माने साचा दिलू ऊपर दिलू मत मान जो आप जो मनमो आया था कि आज मैं साकमरी माता जी के चाला दर्शन के रहा और बिल्कुल माता जी बिगड़िया काम भी बनाए वो तो एक बार दो ही हाथ खड़ा कर लीजियो और जो टाइम पास करवाया वो नीचे राख जो उषार मने ध्यान बहुत बढ़िया क्या बात है जी बोले साकमरी मात की और सात बार ताली बजानी है कितना बार सात बार पांच तक मारा बड़ा भाई लोग विराजमान है हाथ नीचा है बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल सीधा सीधा और सात बार ताली बजानी है सर्दी उड़ानी है अपने सवानी आज साकमरी रामल तेरे लागे बड़ो सुंदर माता जी रामल तेरे लागे बड़ो सुंदर मुझे कहा बहन टपरिया खेड़ी माई साब ढोल नगारा कैसे बजते हैं हमारे आकाश बाबू बिल्कुल एक बार हमारे आकाश भैया के लिए भी जोरदार ताली बजाएं आप छोटा बैग बड़ा धमाका हाँ आकाश भैया रुपए सुरेश जी रतन जी और जालम जी खारोड़ निवासी चित्तौड़गढ़ टपरिया खेड़ी मंदिर निर्माण एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें आप सभी ढोल नगाड़ा बाजे ढोल नगाड़ा बाजे ढोल रुपए बहादुर सिंह जी राजपूत गांव करजी की खेड़ी मंदिर निर्माण एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं अरे भगतर लूले लूले नाचे सब छोड़ दो आप एक बार आए आए सही देख लेंगे
और बिल्कुल सोने के टुकड़े यही देखता होगा भाई आवे हाथ ऊंचा करा जाओ और फाचो उठी ने भाग जाओ पर अटे ने गरमाश ठीक है टेंट ठीक लाग रहे हुशियार ये सोने के बुजुर्ग आदमी भी विराजमान है बात सच्ची लगे तो ताली मत बजाना आप बात अच्छी लगे तो ताली बजाना सोने के टुकड़े करो हजार उसकी कीमत कभी कम नहीं होती सही बात है ना और हर लॉकडाउन में सोनो भी महंगो बेचो कि सोने के टुकड़े करो हजार उसकी कीमत कभी कम नहीं होती और हमारे बुजुर्गों की दुआ लेने से कभी हमारी इज्जत कम नहीं होती क्योंकि जरूरत बंदे को अपनी दिली से ना लौटावो मेरी शाकंभरी माता जी के नाम पर तालियां बजाने से आप किसी की दौलत कम नहीं होती बल शाकंभरी मात की गामी टपरिया खेड़ी माई सा सखमरी मात की बोली सच्ची दरबार की।